अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुल्फ़िकार शाह और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोहाट का एक नवाई इलाका है, उसका नाम है मौसम खान बांडा ढोड़ा शरीफ। ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ देखा जाए तो सेहत के हवाले से दो ऐसे मकामात हैं कि जहाँ लोगों की ज़्यादा तादाद आती है, और एक है डाक बंगला ढोड़ा शरीफ और दूसरा ये है जिसे गरगरा या मौसम खान बांडा आबशार कहते हैं। मकामी तौर पर ये एक कुदरती आबशार नहीं है, बल्कि इसको क्रिएट किया गया है। पानी तुई से जो आता है और उसको एक बंद बांध के इसका स्टेप बाय स्टेप फ्लो रखा गया है, और ये फ्लो जब ओवर फ्लो होता है तो जो पानी का बहाव नीचे आता है तो एक आबशार की सूरत रहती है। चूंकि तुई में पानी की किल्लत है इसलिए पानी का बहाव यहाँ कम है, लेकिन तहम जो एरिया एक क्रिएट हुआ है कुदरती तौर पर पानी की वजह से तो काफ़ी खूबसूरत है। लोग काफ़ी दूर से आते हैं इस जगह को देखने के लिए। सहूलियात की इसमें कोई शक नहीं कमी है। मौसम खान बंडा या ढोड़ा रोड काफ़ी ख़राब है और हुकूमत की तरफ से शायद फ़ंड ना मिलने की वजह से, और गुज़िश्ता बताया जा रहा है कि 14 साल से इस एरिया में काम नहीं हुआ। यही वजह है कि आमदरफ़्त के जो मकामी ज़राए हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और रोड काफ़ी बुरी हालत में है, तो जो लोग आना चाहते हैं तो उनको काफ़ी मोहतात होकर आना पड़ेगा। यहाँ ढोड़ा में जैसे कह सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट है और लोग आते हैं, लेकिन मकामी तौर पे जिस एरिया में ये गरगरा के नाम से ये एरिया है सड़क से काफ़ी फासले पे है, तो काफ़ी फासले पे आपको गाड़ी या बाइक पार करके यहाँ आना पड़ेगा। कोहाट के अच्छे इलाकों में से देखने के काबिल जो इलाके हैं वो गरगरा, मौसम खान बंडा और ढोड़ा का डाक बंगला है। ढोड़ा वैसे तो कई चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का जो शलजम है वो पैदावार के लिहाज से काफ़ी शोहरत रखता है। फरवरी और के एंड में और मार्च के शुरू में यहाँ शलजम की फसल काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये तैयार हो जाती है, और यहाँ इसकी जो मकामी तौर पर जो कुएं का पानी आती है इसमें इसको साफ़ करने के बाद बोरियों में बंद करके और मिनी ट्रकों के ज़रिए सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। ग्रान कदरमन कथन को दाटे मुसरा शबीर से मौजूदा शबीर से ते मकामी तौर पर डोडे की दी टेपर ठेकेदार दा ओदा शल जम सुकुम पैदावार दा से मालूमात को शबीर से दस्तुम टेपर दी दी चोर प्रोडक्शन दे डोडे ना एर दा दरी का ट्रक न वो जी चलो न वो जी ओ बदा दे गर्माई मौसम दा वो दा द्वित्रे सुजवाने डकौ दा टेपर दी मुसी सदेता पर चिनानो पर जी ओ बनु ते जी बनु न मख के सप्लाई की जी ठेकेदार दा। हां, और टिपर चुकी सुबह नूर जिन की टिपर की मुझे डोडे टिपर के और सुबह नूर टिपर के फर्क था टिपर हो यार जी खपल खपल भी खुदा दर जी बस अब टिपर कम चनी हुई था ना मुझे चनी हुई था बराबर इसे की जी लगा लगा चनी थी वो शुरू दा टिपर दो के ऊपर आज और अरे सफा वो वाली टिपर बटेर दो उनकी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ की
او په دې راغځي خان کې خو غاده غندا او بول نه غو خوان نه خدا خبر راس کوم ډوډۍ ولا ټپر دی ازکا مشهور دی او ازکا مشهور دی صدا صفا دی قدرتي وو چینول او بول دی اور دا غټوی سائز کې غټوی او د کی ترسکون والے خوی نو کوم نورې لکولې یا پنجابی ټپر کې گی اغان ډېر زیات تعداد کې خو وجدا څنګه ذائقہ حکومت آدی ابو دی نالین والے دی د صفا دی قدرتي چشمول نه وی نو د دې وجنا د کوهات والا د ډوډۍ والا ټپر خلک زیات خوخی ډېر شویا।